अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैरपुर ज़िले के तहसील ठरी मिरवा के सैलाब मुतासर इलाकों में हेंड्स और सेव दी चिल्ड्रेन और हुकूमत सिंध के मुश्तरक ताउन से नो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूलों में रिहेबिलिटेशन के तहत बुनियादी सहूलियात दी जा रही हैं। इस सिलसिले में मुतासर स्कूलों में ज़रूरी मरम्मत का काम, बैग, किताबें और हाइजीन किट तकसीम की गई और बच्चों के तहफ़ के हवाले से अवेयरनेस सेशन भी मुनक़द किए गए। जिन इलाकों के स्कूलों में बुनियादी सहूलियात दी जा रही हैं उनमें गांव मोहबली, खासकेली, गांव खुदाबख्शर, गोट जोगी, गोट गुलाम अकबर, गांव कायम शाह, गांव बाम्बन, मोहम्मद अमीन बुखारी, यारमोन खासकेली और गांव बिलावल खान शहर शामिल हैं। इस मौके पर सिंध पुलिस की वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर मैडम मेहनाज बोजदार, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मैडम रजिया फलोपोट्रो, सोशल वेलफेयर के तालका ऑफिसर तौफीक अली जागीरानी, सेव दी चिल्ड्रेन की मैडम नाजनीन शकील अहमद और हैंड्स के जायद हुसैन, सहर अली, मैडम मदिया जैन सोलंग और दीगर ने सहाफ़ियों को बताया कि गुज़श्ता बरसाती और दरियाई सैलाब ने तबाही मचा दी थी और आवाम को सख्त मुश्किल का सामना था, जिसके बायस हुकूमत के साथ दुनिया के बड़े और इंटरनेशनल इदारे भी मैदान में आए। हरी मिरवा के 9 सैलाब मुतासर इलाकों के स्कूलों में मरम्मती काम कराने के साथ बुनियादी सहूलियात देने का सिलसिला जारी है। स्कूलों में तरक्याती काम करा के बाकायदा बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू किया गया है और बच्चों को बैग के साथ कोर्स की किताबें और हाइजीन किट भी दी गई ताकि बच्चे तालीम के साथ अपने सेहत का भी खुसूसी ख्याल कर सकें। इसके अलावा बच्चों के लिए स्कूलों में ज़िले इंतजामिया और सिंध पुलिस के मुश्तरक तआवुन से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेशन भी किए गए हैं ताकि बच्चे अपने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें। नाम नाज़रीन तबस्सुम है, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर हूँ सेव द चिल्ड्रन में। और सेव द चिल्ड्रन यहाँ फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ में सिंध के 2 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, जो कि बहाली के लिए है मुतासरीन सैलाब से। उसमें खैरपुर और दादू में हम यूके एड की मदद से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के एक जो है वो सेशन के लिए आए हैं, जिसमें हमने चिल्ड्रन क्लब की फॉर्मेशन के साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करवाई है। हमारे साथ यहाँ पे सोशल वेलफेयर से, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से और विमेन प्रोटेक्शन सेल से हमारे साथी हैं। और बच्चों की आगाही का मकसद ये है चाइल्ड प्रोटेक्शन पे कि वो ना सिर्फ अपनी जो है वो तहफ़ के हवाले से कैपेसिटेट हो सके, अपनी हिफाजत कर सके और बाकी जो इलाके के बच्चे हैं उनकी हिफाजत के लिए भी वो अमली कदम उठाएँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो सेफ द चिल्ड्रन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ द चिल्ड्रन बच्चों के लिए काम करने वाला बहुत बड़ा, दुनिया का यूएन के बाद सबसे बड़ा इदारा है। तो हम यहाँ पर बच्चों के तहफ़ के अलावा से हवाले से मकामी तौर पर हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी और चिल्ड्रन क्लब के साथ काम कर रहे हैं। हैंड्स हमारा यहाँ पे पार्टनर है जो कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू। तौर ते असाते उन आया हूँ एस एस पी साहब की डायरेक्शन से, जेके फ्लड के हवाले से कुछ स्कूल हुआ डैमेज थी वह हुआ या बार के हिसाब से चाइल्ड प्रोटेक्शन के हिसाब से सेशन कराण, त प्रोटेक्शन के हवाले से जेके लॉज हैं जेके असाजे गवर्नमेंट ठाया हैं, त उन हिसाब से किथे भी उन्हें भनकड़ी थे थी तो अस उन पेरेंट्स के उन बार आगाही दूँ तो भाई ये कानून ठयल या बार आगाही दीजिए तो प्रोटेक्शन के हवाले से कड़ी तदबीर गुड टच बेड टच है, या अगर किथे भी चाइल्ड मैरिज जो को मसलो थे तो चाइल्ड अब्यूज़ जो मसलो थे तो तहां के केड़न इदारन दां वणणो आए, केड़न इदारन दां पंजा केसेस रिपोर्ट करना है न, ता काफ़ी सारो तमाम सुठो लगो असा के इन बारन सा सेशन कराण में। तमाम माशाल्लाह सा असाजे सिंध जा बार एक्टिव हुआ, जेके असा उनन के कुछ डायरेक्शंस या सेशंस कराया, हिदायतों दिनों से गुड टच बेड टच के हवाले से इलाही बार अवेयर भी हुआ। मां समझा थी त अगर कोई भी अड़ो इंसिडेंट या इशू किथे थे तो पो इन बारन जी नज़र में गुजरे तो पो या कें पेरेंट्स जी में गुजरे तो उनके जल्द रिपोर्ट कंदा, इन सा डोहन में जेकी आए काफ़ी कार्रवाई काफ़ी घटताई इंदी, अगर डोहो रिपोर्ट थींदा त रिड्यूस पिण थींदा। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन हसन रज़ा के साथ सलीम रज़ा शेख, उर्दू सिंधी टीवी, खैरपुर। For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.